को मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप अभी नहीं सिखाऊंगी मैं, ओनली आइटम लेके सिखाऊंगी। तो फर्स्ट आप लोगों को जब भी फेशियल करना है तो हमारा जो इस फेशियल किट में यू विल गेट वन क्लिंजिंग वाइप। तो पहले आपको क्या करना है कि क्लिंजिंग वाइप से आप मुँह को पोछ लेना है, मुँह को पोछ लेना है। हाँ सर जी, क्योंकि हमारे डर्ट वगैरह होते हैं, पोल्यूशन वगैरह होते हैं, लेडीज़ लोग का मेकअप वगैरह होता है, तो ये हम इस वाइप से रिमूव करेंगे। ठीक है, वो आ गया। मुझे वालों को नहीं पूछो, वालों को नहीं पूछो। अच्छा, वालों को नहीं पूछो। पार्लर खुल गई पास हो गई। हमी दोनों के साथ चूल्हे जाएंगे। पूरा खोरा हमारा। खूब साफ पटला रहा। और लेडीज़ ने हमेशा बोलती है कि अगर आप लोग मेकअप वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो पहले सबसे जो ढीट खालको हुन्छ नि मेकअप प्रोडक्ट यो चाहिँ रिमूव गर्नु, द्याट इज काजल एन्ड लिपस्टिक। क्योंकि मोस्टली नाउ दिस काजल आइलाइनर्स एन्ड लिपस्टिक्स आर वेरी स्टबर्न इन द सेंस, बहुत हाइली पिगमेंटेड होते हैं, तो उनको पहले रिमूव कर लेते हैं। तो थोड़ा इकोनॉमिक भी हो जाता है क्योंकि तब हम लोग को ज़्यादा वाइप्स यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नैपकिन का स्मेल बहुत अच्छा है। फीडबैक देते रहिए सर, फीडबैक देते रहिए। स्मेल बहुत अच्छा है। मैं तो मेकअप रिमूव कर रही हूँ, आप उनका पूरा मुंह साफ कीजिए। अच्छा, अभी मैं कर रही हूँ, मैं अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली जो लेडीज जो इतना सुंदर दिखती है ना, उसकी किसी प्रोडक्ट होते हैं तो हमारे और अगर उनका गाल घिसा नहीं है, गाल घिसी है। देखने वाले देखने के लिए सर आपका हो गया। मेरा सारा रुपी लगाया इससे मोरिंगा क्रीम लगी इससे। तो आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं, इसके बाद में कौन सा प्रोडक्ट यूज करूँ, इसके बाद क्या करूँ। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हाथ का मूवमेंट कैसा हो, क्योंकि अगर आपका हाथ का मूवमेंट अच्छा राइट में नहीं है तो आपको जो आपको रिजल्ट चाहिए वो वैसा नहीं मिलता है। जैसे हमेशा आपका हैंड्स का मूवमेंट एंटी ग्रेविटेशनल होना चाहिए, दैट मीन्स आपका हाथ नीचे नहीं, आपका हाथ हमेशा मूवमेंट ऊपर होना चाहिए, सो दैट आपका स्किन टाइट हो, एंड टाइट स्किन आर ऑलवेज यंग। Yes. Scrub क्या काम करता है, कौन बता सकता है? Scrubbing क्या करता है बोलिए तो, what आप लोग scrub use करते हो ना, फेस को का हमारे पास scrub है, गंदगी सिर्फ ड्राई स्किन हटाता है, नहीं पोर्स करने के लिए है, पोर्स को खोलने के काम करता है, पोल्यूशन उससे, और आपका स्किन को रेजुविनेट होने के लिए चांस मिलता है। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स आप जो यूज करोगे उसके लिए गेटवे मिलता है, दरवाजा खुल जाता है इसके लिए। ठीक है, इसको अगर डॉक्टर की भाषा में समझेंगे तो हमारी स्किन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, अभियों की पाइप से जो क्लीन कर लिया लेकिन पोर्स के अंदर कैसे जाएगा, पोर्स में जो डर्ट आ जाता है, पोर्स के अंदर जो रोम छिपी के अंदर जो गंदगी हो जाती है, वहाँ तक वो स्क्रब जाके काम करता है, और हमारे चेहरे को हम आगे जो चीजें करने वाले हैं कपड़े डुबले गाले नाके वो सब चीजें और अच्छी नाके ढुके नहीं बने, थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे स्क्रब में खास बात ये है कि इसमें 100% नेचुरल एक्सफोलिएट, जो मार्केट के जितने सबसे तो जोगिंदर का अच्छा होता है, आर्टिफिशियल एक्सफोलिएट होते हैं जो हमारी स्किन को खराब करता है। पूरा तो नहीं, पूरा तो दो एक बार ही तो होता नीचे थे ऊपर टाइम अच्छा कुशन थे। अभी क्या करते हो फेशियल आप लोग, ये नहीं करते हो फेशियल, आप 15 दिन में करो, एवरी 15 डेज में करो। ठीक है, फेशियल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, यूजुअली आप
वंस यू आर 20 प्लस यू कैन डू दैट ओके बट लिंक से बिलो लेकिन डिपेंड करता है कि आपका स्किन पे डिपेंड करेगा देखिए अभी मेरा जो एज होगा उसमें मैं उसी के हिसाब से करूंगी अब मैं 30 प्लस हूँ तो मैं क्या करूंगी कि एवरी टाइम आई विल बी डूइंग इन 15 डेज का ऑल्टरनेट में करूंगी ओके ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कैसे एरिया में हो कितना पोल्यूशन है उस पर भी डिपेंड करता है ठीक है सो एनीवे हम लोग ने क्या किया मैं हमेशा 5 मतलब पॉइंट्स यूज करती हूँ कुछ भी प्रोडक्ट जब अप्लाई करती हूँ तो फेस पे हमेशा डॉट 1 2 3 4 5 ये 5 का काउंटिंग में लेती हूँ मेरे लिए कंट्रोल करना इजी होता है क्वांटिटी को ठीक है तो मैंने पॉइंट साइज भी ले सकता हूँ बी साइज एज अ फर्स्ट टाइमर आप कर सकते हो 5 डॉट्स लो हाथ को वेट करो हाथ को वेट कर लीजिए नीचे तक है ऊपर देखिएगा देखिए फेशियल किट में अगर आप फेशियल कर रहे हो तो हमेशा यहाँ से होता है पर नाउ शी इज वेयरिंग अ ब्लेजर एंड का थोड़ा हाईनेक है तो मैं क्या करूँगी मैं यहीं से दिखा रही हूँ ठीक है जब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे फॉर्मल ट्रेनिंग करेंगे तो आई शो यू इसमें अभी आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाना है स्क्रबिंग 2 मिनट से ज्यादा मत कीजिएगा ठीक है कि मैं जितना स्क्रब करूंगी उतना ही मैं लाइक यू नो माय फेस विल लुक फ्रेश एंड ऑल ऐसा नहीं होता है प्रोडक्ट का काम जितने के लिए बनाया गया है उतना ही करेगा 2 मिनट से ज्यादा मत करना आप नहीं तो इंज्योर कर रहे हो अपने स्किन को बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर इसके अंदर गाले होते हैं आपको और रैशेस ठीक है और हमेशा हाथ का मूवमेंट हमेशा एंटी ग्रेविटेशनल रखना दैट मीन्स ये हाथ हमेशा आपका ऊपर या साइडवेज जाना चाहिए एनी मोशन आप मसाज करो स्क्रब करो फेशियल करो वट एवर ठीक है गोल गोल घुमाओ फिर भी ये ऊपर साइड में आना चाहिए ये कीजिए ये फिंगर क्रॉस ऐसे फिर आप कीजिए ऐसे वोट में नहीं मैडम सर के एक फल खुले दिए नहीं इसमें आपका ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स ज्यादा होता है तो ये हमको साफ करना है बिकॉज अगर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है तो डेफिनेटली ओपन पोर्स भी झलकेगा आराम से झलकेगा ध्यान से देखो जब करोगे और एक्चुअल फेशियल होता है आपका हमेशा ये जो कॉलर बोन से स्टार्ट होता है यहाँ से होता है बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट राइट नाउ वो जब हम लोग फॉर्मल ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको दिखा देंगे ओके बिकॉज अभी उनका जीएसटी लाइक यू नो जीएसटी हो गया चलिए अभी हमको क्या करना है आप ही पूछ लीजिए वो थोड़ा सामान जिसको अंदर घुसते ही नहीं देते
हेलो बेसी कर दिया चलो सब्जेक्ट दोचन मैं तो याद हूँ चला ना तो उसको लगी जो आँख को जो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दिस मसाज को ठीक है अब हो गया आपको मालूम चला ना दिस प्रोडक्ट इज गोइंग इनसाइड द स्किन अभी ड्राई हो गया है ड्राई हो गया स्किन तो अभी हम लोग को मसाज नहीं करना ठीक है एप्लीकेशन हो गया प्रोडक्ट ऑन कर दिया थोड़ा सा अगर इफ यू वांट यू कैन जस्ट डैप इट लाइक दिस ऐसे ऐसे थोड़ा सा इनके अच्छा मजा आ रहा है भाई मजा आ रहा है तो एक्टिवेशन जेल चला गया अब एक्टिवेशन जेल के बाद क्या आएगा नाउ दिस इज द थर्ड अभी फोर्थ स्टेप क्या है सर जी पढ़ के सुना दीजिए मसाज क्रीम ठीक है देखिए हमें प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट रखना है एवरीवन मदर टंग इन्फ्लुएंस सबका है मेरा भी है कभी कभी मेरा भी स्लिप ऑफ टंग होता है बट वी नीड टू प्रैक्टिस सो मैसेज मैसेज ही होता है मसाज मसाज होता है अब ये हम मसाज करें तो मसाज हाँ खोल दीजिए तो इसका भी मैं हमेशा 5 drops लेती हूँ 5 drops लेने से क्या होता है मेरे हाथ में खुद को क्वांटिटी का कंट्रोल होता है अगर मुझे लगा कि नहीं प्रोडक्ट थोड़ा कम हो रहा है तो मैं क्या करूँ कि फिर से वही 5 drops लूँगी सो दिस इज द वे आई ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने डिफरेंट स्किन्स है लाइक यू नो स्किन टाइप्स है किसी पे अगर ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है किसी को कम हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है हो गया सर जी 5 drops लीजिए अच्छा से और नीचे बाकी थकलो ऊपर थे नीच पर्यंत तो 3 डायने में 3 चलिए तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल इतना लाइक यू नो प्रोडक्ट ठीक है तो हम मसाज करेंगे ठीक है अब मसाज के लिए देखिए जैसे हम लोग ने फेशियल किया था मतलब स्क्रबिंग किया था और जेल लगाया था वो एक दो एक्स्ट्रा हम लोग मूवमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे ठीक है तो चलिए फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज एंटी ग्रेविटेशन जो हम स्किन को ऊपर लाएंगे चिन से स्टार्ट होगा ठीक है चिन से यहाँ से जॉ लाइन से सॉरी कीजिए ऐसे कीजिए अप्लाई कीजिए ठीक है देखिए स्टेप्स तो बहुत सारे हैं ठीक है बहुत सारे हैं आई डोंट थिंक सो आप लोग याद रख पाओगे ये सब स्टेप्स तो जो आप लोग को अच्छा लगेगा करने के लिए इजी स्टेप फास्ट स्टेप ये मैं दिखा रही हूँ ठीक है सो पहले तो आपको स्किन को टाइट करना है नीचे से टाइट करना है तो पहले आप जॉ लाइन को ऐसे लाइन कहाँ यहाँ पे थोड़ा सा दबा दीजिए कान के पीछे उनको भी आराम मिलेगा प्रदीप जी आराम लग रहा है बहुत ही आराम फिर से लाइए कान के पीछे थोड़ा सा हल्का से दबा दीजिए उनको अच्छा लगेगा ठीक है अभी हम यहाँ फोरहेड को अभी खींचना है सो दैट हम लोग का यहाँ पे क्या है ज्यादातर फाइन लाइंस रिंकल्स कहाँ आते हैं फोरहेड में टेंशन भी यही लेके घूमते हैं हम लोग तो इसको थोड़ा सा सीधा कर दो चलो इसको ऐसे कीजिए पूरा जाइए पीछे साइड में जाइए राइट एंड लेफ्ट हम दोनों फिंगर यूज करेंगे ये दो आजू बॉस हाँ ला नहीं 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 ऊपर ऊपर तो फिर आइए राइट साइड आइए लेफ्ट साइड चाहिए सर बोंगाईगांव थे बोंगाईगांव तो पावेन सर गुवाहाटी तो पावेन ऐसे हुआ फिर क्या करेंगे ऐसे कीजिए ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर आइए ये टेम्पो होता है ना टेम्पो को हल्का से दबा दीजिए कान का जो ये क्या बोलते हैं आप लोग लॉब है ना इसके पास उनको भी आराम दे और जितना आपका दिमाग आराम होगा ना वो स्किन पे भी झलकेगा ठीक है चलो आंखों में क्या करना है हमें मसाज करना है आंखों का जो रिंकल्स है जो हमारे आईलिड्स बहुत पतले होते हैं रिंकल होते हैं उसमें आई शेडो कैसे बिठाएंगे स्पेशली लेडीज को तो उसको टाइट करना है तो क्या करना है हमें डार्क सर्कल्स है ये सब क्या करना है आप तब रिंग फिंगर लीजिए सॉरी रिंग फिंगर लीजिए क्लॉकवाइज
ना बराबर पांच बार किया तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज भी आपको पांच बार करना है। करके क्या करना है आपको, यहाँ पे लाइए ये फोर हेड जहाँ पे बिंदी लेते हैं ना वहाँ पे, वहाँ पे हल्का से दबा दीजिए, उनको भी आराम लगेगा। सर आराम लग से थोड़ा सा यहाँ पे कर दीजिए इसे, फिर ऐसे लेके जाइए साइड में, फिर टेम्पो में ये थोड़ा कान के पीछे सुतलाई ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप लोग, ये सब थोड़ा सा एडवांस स्टेप्स है, अगर आप लोग को चाह तो आप लोग क्या कर सकते हो, लेकिन ये दोनों हाथ से कर सकते हो कीजिए, ये मसाज आप लोग ऐसे करें दोनों हाथ से, फिर आप ऐसे जाओगे लेफ्ट साइड पे, जितना अच्छा मूवमेंट होगा हाथ का उतना स्किन अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग जब ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना बहुत खोज विचार करके जाते हैं कौन सा ब्यूटी पार्लर अच्छा है, किसका हाथ साफ है, क्योंकि अगर ब्यूटिशियन का हाथ भी साफ नहीं है एंड दे आर डूइंग इन अ रॉन्ग वे ऑफ मसाज तो भी आपका, क्योंकि आप ब्यूटी पार्लर जाते रहोगे उसी पार्लर में जाओगे 15 डेज में, इन द लॉन्ग रन आपको जो आपको चाहिए एक रिजल्ट वो नहीं मिलेगा, इट माइट डैमेज योर स्किन, सो उसके लिए भी यू शुड ऑलवेज गो टू समबडी हु इज एक्सपर्ट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो नाउ यू कैन सी उनका एक फेस में यही क्रीम से ग्लो आ रहा है, अब देखोगे थोड़ा सा पिंकी पिंकी भी हो रही है, सर भी हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस। लाइटिंग होता सर स्किन का एकदम ग्लेज नाकटा चिकचिका अच्छे सारे अबे जेंट्स एक बात सारे नाकटा चिकचिका चाइनर मत फेशियल आप लोग को बियर्ड बनाने के पहले या बाद में यूज करना चाहिए, लॉजिक लॉजिक आप लोग सोच के देखो तो पहले बियर्ड बनाने के पहले बियर्ड बनाने के पहले सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका बियर्ड है आपने मसाज किया फुल किया आपने पूरा किया उनके, एक तो फर्स्ट थिंग आपको प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ द बियर्ड प्रोडक्ट अंदर से नहीं जा रहा है मसाज में प्रॉब्लम हो रहा है वो होगा, जो एरिया साफ है उसमें तो ठीक है प्रोडक्ट बैठ गया ठीक है, बाद में क्या क्या आपने उसके बाद आप लोगों ने शेव कर दिया होगा ऐसा, फर्स्ट थिंग तो आपको शेव नहीं करना है जिस दिन आप फेशियल कर रहे हो ठीक है, और फेशियल अगर शेविंग के बाद भी करना है तो भी आप एटलीस्ट एक दिन छोड़ दो, जिस दिन आप फेशियल करो उसी दिन शेविंग मत कर देना, या जिस दिन शेविंग किया उसी दिन फेशियल मत करना, ये बात है ठीक है। और बाई चांस आपका बियर्ड अच्छा से बना हुआ है, अच्छा एवरीथिंग इज क्लीन मतलब आपने नीटली शेव करके रखा है पूरा अपना स्ट्रक्चर देके रखा है, तो उसके बाद जहाँ पे बियर्ड है उसको टच नहीं करके आप जो एरिया आपका बेयर है या ओपन है उसमें करो फॉर जेंट्स ठीक है, जहाँ पे बियर्ड है उसमें मत करो, जहाँ पे बियर्ड नहीं है उसमें करो, और बाई चांस बियर्ड शेव कर लिया तो वो एरिया टच मत करना एक दिन के लिए ठीक है, और फेशियल के बाद भी इमीडिएटली आप शेव ना करो ठीक है, ये आप खुद भी फील इज वेरी लॉजिकल ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप है, क्या गेस कुछ ग्लो आया कि नहीं यार, स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 5 क्या है सर जी, ओके आप रीडिंग कीजिए बोलिए स्टेप नंबर 5 तो अभी हमने क्या किया, अभी हम लोग ने फेशियल मसाज किया, मसाज किया, मसाज के बाद आएगा हम लोग का मास्क, अब मास्क जब यूज करोगे ना तो क्या करना है आपको बहुत लाइटली लगाना है, इतना मोटा मोटा बर्फ मत लगाइएगा ठीक है। अनुपमा मैडम आरती भाई ठीक है, ये बहुत इजी है सिर्फ इसको अप्लाई करना है मास्क का, ये क्ले मास्क है ठीक है, हम लोग जो बोलता नहीं भी जैसे यूज करते हैं अच्छा से फैला दीजिए उसको, वैसे यहीं से ड्राई होना है आपको, कुछ ज्यादा पतला लगा है ज्यादा पतला है अगर किसी सोच रहा हम ये पूरा पूरा सबो भी इस उनको ये फोकस करना है तो ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप रचना को कॉल करिए हम तो जल्दी सेशन बुक कर लेंगे, ये सब
ये किट में ये लास्ट बोल सकते हैं, मतलब जो हम लोग करेंगे इसमें फेशियल, फेशियल का ये लास्ट स्टेप है मास्क, ठीक है। अब ये मास्क रिमूव करने के बाद ये जब सूख जाएगा, जब रिमूव कर देंगे उसके बाद, हाँ उसके बाद आप लोगों को मालूम है क्या करना है? एनी आइडिया? लॉजिक लगाइए तो इसके बाद क्या करना है लेडीज, आप बोलिए तो। आफ्टर, वेरी नाइस, मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन, क्यों, व्हाई? देखिए फर्स्ट थिंग जब हम लोग फेशियल करते हैं ना, आप जिस दिन ब्यूटी पार्लर जाते हो ना फेशियल करने के लिए, ब्यूटिशियन आपको क्या बोलेगा जानते हो? आप घर जाने के बाद 12 से 12 टू 24 आवर्स आप कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, ना फेस वॉश, ना साबुन, ना मेकअप, नथिंग। आप जैसे आए हो वैसे जाओ घर, मतलब साफ होके जाओ। तो आपको घर जाना है, अब घर जाने के लिए हम कैसे ऐसे मतलब एवरीथिंग इज ओपन ना, नाउ पोर्स आर ऑल एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग सनस्क्रीन लगा के भेजते हैं। घर तक जा रहे हो तो सनस्क्रीन एटलीस्ट प्रोटेक्शन लेके जाओ, के घर में जाके लेकिन आप लोग कुछ दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आफ्टर फेशियल 12 आवर्स मिनिमम। एक्चुअली धूप में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन ब्यूटी पार्लर से तो आदमी घर जाएगा ना, वो तो जाना ही है, नहीं तो ब्यूटी पार्लर में तो नहीं बैठ पाएगा। तो इसके लिए हम लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं। अब ब्यूटी पार्लर का अलग बात है, आपके घर में भी कोई आएंगे, आप किसी इवेंट में भी उन लोग को डेमो दे सकते हो, सिखा सकते हो, तो उस टाइम में वो लोग घर जाएंगे। तो इसलिए एनी टाइम आपको आफ्टर फेशियल, एक तो है आप इफ यू वॉन्ट यू कैन डू टोनिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग टोनिंग तो एटलीस्ट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन तो आपको यूज करना ही है। वो अगर आप अपने घर पे भी फेशियल कर रहे हो तो आफ्टर द मास्क, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप, आपको मॉइस्चराइजेशन और सनस्क्रीन यूज करना है। क्योंकि मैं हमेशा मेरे टीम को ये बोलती हूँ कि सनस्क्रीन बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी रेडिएशन है या नहीं है? अब आप लोग सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हो अपना अपना बिजनेस को लेके, सो यू ऑलवेज कैरी रेडिएशन अलॉन्ग विद यू, मोबाइल है, घर में LCD LED TV है। महिलाएं आप लोग इतने टेस्टी टेस्टी पकवान पकाते हो लेकिन उसमें भी आप अपना क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो बिकॉज ऑफ द हीट, स्टोव का जो हीट है, मसाला धुआं, उससे भी आपका स्किन एजिंग होता है। मतलब आपका बायोलॉजिकल एज छोटा हो सकता है लेकिन आपका एज 10 साल आगे चला जाता है। तो स्किन को 10 साल आगे लेके जाना है कि पीछे लेके जाना है? पीछे लेके जाना है तो हमारी बातें थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लेना, ठीक है? तो मेरी जैसी ब्यूटीफुल बन जाए, ऐसे मजाक कर रही हूँ, बट या आई डू टेक केयर ऑफ, मैं जो आप लोग को बोल रही हूँ ये स्टेप्स मैं खुद फॉलो करती हूँ एक्चुअली, और मुझे रिजल्ट मिला है। क्योंकि बीच में मैं भी बहुत लेजी हो गई थी, I never used to take care of my, मतलब बीच में ऐसा हो गया था कि मेरा लेजीपन कुछ ज्यादा हो गया था, पर जब मैंने देखा कि नो, और जब मैंने कीसो ज्वाइन किया उसके बाद तो मैंने, क्योंकि मुझे आप लोग के पास आना है, आई एम रिप्रेजेंटिंग कीसो आप लोग के सामने, अगर मैं खुद स्किन खराब, बाल खराब, तो एम आई विल बी एन एग्जाम्पल फॉर यू, कीसो का एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हूँ मैं? नहीं, राइट? सो इसीलिए आपको अपना बिजनेस का, अपना ब्रांड का खुद को मॉडल बनना है। तो मॉडल बनने के लिए पहले तो प्रोडक्ट अपने आप में यूज करना पड़ेगा ना, तो प्रोडक्ट यूज करो। क्योंकि मैं अगर ट्रेनिंग दे रही हूँ आप लोगों को, आप जो बाहर फील्ड में बोलोगे, हो सकता है आप सेंटेंस भूल सकते हो सकता है कि आप ओहो अकुंता मैम ने कुछ बोला था, कुछ तो बोला था, भूल गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट खुद अप्लाई किया, खुद उसका फीडबैक खुद जान लिया, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स। मेरे डायलॉग्स पे आप डिपेंड नहीं करोगे, आपका खुद का फीडबैक पे जब करोगे तो दैट विल शो यू मोर कॉन्फिडेंट। आपका ट्रेनिंग, वॉट एवर काउंसलिंग दे रहे हो प्रोडक्ट के ऊपर, वो फ्लुएंटली बाहर आएगा, ठीक है? सो आप अपना बिजनेस और प्रोडक्ट के खुद मालिक हो, खुद ही नौकर हो, खुद ही गिनी पिग हो और खुद ही मॉडल हो, ठीक है? सो जो भी प्रोडक्ट आप लेके जाओ, अप्लाई करो, फीडबैक खुद सोचो कैसा लग रहा है, उसके बाद यू गो एंड टॉक टू अदर्स, ठीक है? और यहाँ पे कोई एज बोल के नहीं, अब तो मेरा एज हो गया, ये सब करके क्या करूँ। हम लोग का यहाँ पे एक मेंटेलिटी क्या है लेडीज लोग का, जेंट्स लोग का,
लेडीज से ज्यादा सुनती है ये सब लगा के क्या फायदा, हमले बोले हेयर सब, हमले बोले हेयर सब मुझे कौन देखेगा, अरे पहले इस्तेमाल तो करो फिर देखना कौन कौन नहीं देखता है। तो चलिए ड्राई हो गया है ना, ये हमारे ड्राई कर लेते हैं, मतलब वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे टैप कर लेंगे, टैप कर लेंगे, ऐसे टैप कर लेंगे, टैप कर लीजिए, और उसके बाद आप एक साफ फेशियल टॉवल वगैरह से पोंछ अब आप सूखा कपड़े से उसको वाइप कर दीजिए। और जब मैं पोंछ रही हूँ ना, पोंछने का टाइम में भी मेरा हाथ पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, याद रखिए ये दो हाथ जब भी मुंह पे जाएगा ना, हमेशा एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में जाएगा, ऊपर जाएगा, साइड में जाएगा, क्योंकि हमें स्किन को झुलाना नहीं है, हमारा स्किन को टाइट बनाना है, क्योंकि एक टाइट स्किन ही यंग स्किन होता है। सर सीखे और दो तीन मतलब और एक हफ्ता अगर सर ने ऐसा कर लिया ना, हाथ सफा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मॉइस्चराइजर लगा सकते, दो तीन सॉरी एक मिनट लेना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन का टाइम थोड़ा कम कर देना और हाथ का मूवमेंट भी थोड़ा कम कर दे, ठीक है।